चुनाव आयोग ने शुक्रवार को हरियाणा और जम्मू कश्मीर में होने वाले विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। चुनाव आयोग ने बताया कि जम्मू कश्मीर में 3 चरणों में 18 सितंबर, 25 सितंबर और 1 अक्टूबर को मतदान होंगे। दोनों राज्यों में मतदान 4 अक्टूबर की जो गणना होगी वो 4 अक्टूबर को होगी। हरियाणा विधानसभा का कार्यकाल 3 नवंबर को समाप्त हो रहा है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने 30 सितंबर से पहले जम्मू कश्मीर में चुनाव कराने का आदेश दिया था। जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष अमर अब्दुल्ला ने विधानसभा चुनाव से पहले बड़ा बयान दिया है। दरअसल नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने कहा कि यह नेशनल कॉन्फ्रेंस का सौभाग्य है कि जावेद मिर्चल जैसे नेता जो जनता से जुड़े हैं, जिनका अपने मतदाताओं और लोगों से गहरा रिश्ता है, आज नेशनल कॉन्फ्रेंस में शामिल हो रहे हैं। इसके आगे उन्होंने कहा कि बड़ी बात यह है कि जावेद मिर्चल नेशनल कॉन्फ्रेंस में आए, लेकिन उन्होंने कोई शर्त नहीं रखी। हम चुनाव की तैयारियां कर रहे हैं और अपने उम्मीदवार उतारेंगे और उम्मीद है कि हम जीतेंगे। ये नेशनल कॉन्फ्रेंस की खुशकिस्मती है कि जावेद मिर्चाल साहब जैसे लीडर जो आवाम के साथ जुड़े हुए हैं, जिनका अपने वोटरों के साथ, लोगों के साथ एक करीबी रिश्ता बना हुआ है, आज वो नेशनल कॉन्फ्रेंस में शमूलियत कर रहे हैं। ये इस तरफ भी इशारा करती है कि लोगों का रुख किस तरफ है। बड़ी बात यह है कि जावेद साहब नेशनल कॉन्फ्रेंस में आए जरूर, लेकिन कोई शर्त नहीं रखी उन्होंने, किसी तरह की बार्गेनिंग नहीं हुई। जब मुझसे मिले तो सिर्फ और सिर्फ करना के लोगों की बात की, करना के लोगों के जो मसाइल हैं, जो लगातार पिछले कई सालों से उन्हें पूरी तरह से नज़रअंदाज किया गया है, इस सब चीज़ को लेके उन्होंने सिर्फ ये कहा कि इलाके की तरक्की होनी चाहिए, इलाके की सही मायने में नुमाइंदगी होनी चाहिए और लोगों के मसले हल होने चाहिए। हमने इन्हें यकीन दिलाया है और अश्योर किया है कि अल्लाह ने चाहा और अक्टूबर के नतीजों में नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत बनी तो ज़रूर जितने भी मसले मसाइल करना के हैं, इनके हाथ मजबूत करके हम वो मसले हल कर देंगे। सर, जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अनाउंसमेंट किए, क्या तैयारियां हैं यहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस? अनाउंसमेंट हुए अब 2 दिन भी नहीं हुए, हमें थोड़ा सा टाइम दे दीजिए ना, हम अपनी तैयारी कर रहे हैं। 20 तारीख को नोटिफिकेशन जो है पहले फेज की जारी होगी, हम अपने उम्मीदवार जो है उसके बाद मैदान में उतारेंगे और कामयाबी की उम्मीद रखेंगे।